नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। दोस्तों आज हम जानेंगे ईकोर्ट सर्विस ऐप के बारे में, जो कि एक ऐप है जिसके ज़रिए आप किसी भी अपने मुकदमे का स्टेटस जान सकते हैं कि आपके मुकदमे में क्या चल रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले दिखेगा। सीएनआर नंबर अगर आपके पास है तो उसके ज़रिए आप मुकदमे को खोल सकते हैं। जैसा कि अधिकतर लोगों पर सीएनआर नंबर नहीं होता, जनरली लोगों पर एफआईआर का नंबर या केस नंबर ही होता है, या अपने नाम के ज़रिए भी आप इसको अपने मुकदमे की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए मैं केस स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। केस नंबर, पार्टी नेम, फाइलिंग नंबर, एफआईआर, एडवोकेट, बाकी के ये सारे ऑप्शन जैसा कि दिख रहे हैं आपको। तो आपको सबसे पहले तो अपना जो भी आपका स्टेट है, जैसा इसमें आ रहा है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, जो भी आपका स्टेट है आप उस पर क्लिक करेंगे। दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जो भी है। तो जैसा मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, मैंने इसमें मान लीजिए यूपी पर क्लिक किया, उत्तर प्रदेश। तो अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, जहाँ आपका केस चल रहा है, जिस कोर्ट में, आपको वो क्लिक करना है। तो मैंने आगरा सेलेक्ट किया। अब आपको इसमें अगर आपके पास केस नंबर है तो केस नंबर के जरिए, पार्टी नेम है आपका जो भी नेम है उसके ज़रिए, तो केस नंबर के ज़रिए अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का आगरा, जैसे मैं आगरा कोर्ट का सिलेक्ट करता हूँ। अगर इनमें से अगर रेलवे कोर्ट का मैटर है तो रेलवे कोर्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी कोर्ट है तो मेन कोर्ट का सिलेक्ट करते हैं। अब आपका केस किस तरीके का है, इनमें से जिस भी कैटेगरी में अगर आपका केस आता है, कंप्लेंट केस है, क्रिमिनल केस है, फैमिली मैटर है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम का है, लैंड एक्विजिशन का है, मेंटेनेंस का है, जो भी है आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैट्रिमोनियल है, मैं मेंटेनेंस कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसा मेरा तो कोई अभी नंबर नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने डाल दिया, ये अंदाजे से डाल दिया। जो भी ईयर है केस का वो डालेंगे, आप गो पे क्लिक करेंगे। जैसा कि एक केस आ चुका है, अब मेरे को नहीं पता जो भी है, ये इसमें डिटेल आ रही है मेंटेनेंस के पर। ऐसे ही अगर कोई भी और भी किसी भी तरीके का केस है, मैं जैसा क्लिक करता हूँ सेशन ट्रायल पर क्लिक करता हूँ और यही रहने देता हूँ सारा कुछ। ओपन हो रहा है, जैसा कि लोड ले रहा है थोड़ा। तो मैं क्लिक करता हूँ तो सेशन ट्रायल, ये 125 नंबर जो हमारा केस नंबर है उस पर ये आ रहा है, स्टेट यूपी वर्सेस मुबारक एंड अदर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी केस की। जैसा कि आप पूरा केस की सारी डिटेल आ रही है, केस किस तरीके का सेशन ट्रायल है, फाइलिंग नंबर आ रहा है, और 23/2/18 से स्टार्ट हुआ है, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। अब सीएनआर नंबर भी आपको मिल जाएगा इस केस का, और ये एविडेंस में है ये फाइल, यानी कि इसमें गवाही चल रही है इस फाइल में। और आप एडवोकेट भी जान सकते हैं, ये पिटिशनर एडवोकेट यूपी स्टेट हैं, और रेस्पोंडेंस के ये नाम आ रहा है, और ये 323, 324, 504, 506 का केस है, और ये थाना है ताजगंज जिसका, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। सब पे क्लिक करेंगे आप, पूरा ये पूरी हेयरिंग आ गई इसकी, और कहाँ कहाँ से केस ट्रांसफ़र होके आया है। अगर ये केस आपका है, अगर आप अधिवक्ता हैं या फिर आपका पर्सनल केस है, तो ये ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड केस, इस पर अगर जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, तो अब ये आपकी डायरी में इस जो ऐप है इसमें ये आ जाएगा, और आप फिर इस केस को फ्यूचर में अगर आपको ये देखना है, तो मैं जैसे बैक करके दिखाता हूँ, ये माई केस जो आ रहा है ये, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उधर आ जाएगा, ये वाला केस जो भी है जो मैंने अभी डाला था, तो इसमें आ जाएगा, और फिर जो भी डेट होगी उसमें आपको ये शो कराएगा। और कॉजिंग लिस्ट के ज़रिए आप देखेंगे तो किसी भी कोर्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसकी सारी फाइलें, कोई भी, जैसे मैंने ये कर दिया सिलेक्ट, और 30 तारीख का अगर मेरे को सारे कौन से केस हैं इस कोर्ट में, अगर सिविल है तो सिविल, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उस डेट के सारे मुकदमे इसमें ओपन हो जाएंगे। क्रिमिनल के इतने थे, सिविल के इतने थे, तो ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी ऐप है, और अगर आप अधिवक्ता हैं तो आप
आपको ये ई डायरी की तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें ये आप FIR नंबर के जरिए भी मुकदमे का स्टेटस जान सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल फुलफिल करनी पड़ेंगी, जो भी ये आपका थाना है, जिस थाने में जो भी वारदात हुई है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, सपोज़ मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये थाना जो भी था। इसके बाद मेरे को इसमें डालना पड़ेगा FIR नंबर। मैं डाल देता हूँ, कोई भी नंबर डाल देता हूँ, सपोज़ 50 डाल देता हूँ, 50 इसी साल का 2018 डाल देता हूँ। अब ये दिखाता है पेंडिंग है, डिस्पोज है, बोथ है, तो मैं बोथ कर देता हूँ। मतलब अगर ये केस अगर ख़त्म हो गया तो सो नहीं कराएगा, अगर बोथ कर देंगे तो आप पूरी डिटेल आपको शो कराएगा। मैंने गो पे क्लिक कर दिया, तो अभी इसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, मतलब ये केस अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है। अगर मैं और किसी थाने को चूज़ करता हूँ, मतलब अगर आपका केस स्टार्ट हो चुका है, अगर इस तरीके का कोई केस है, तो इस ऐप में आपको शो कराएगा। दोस्तों, और आपको किस पर वीडियो जाननी है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।